चलो आज बनाते हैं देसी रैमन बोल। वैसे था मेरा वर्क फ्रॉम होम और लग रहा था जबरदस्त भूख, तो मैंने सोचा मैगी बनाते हैं बट रैमन स्टाइल में बनाएंगे। पहले अपना नॉर्मल मैगी बनाऊंगी विद टमाटर प्याज, तो वो चॉप कर लिया। फिर बिल्कुल थोड़ा सा होममेड घी लेकर उस पर मैंने फ्राई कर दिया प्याज और टमाटर, फॉलोड बाय सॉल्ट पेपर एंड चिली फ्लेक्स। बहुत ही प्लेन रखा है, कुछ तामझाम नहीं है इस पे। फिर ये फ्राई होने पर मैंने ऐड कर दी पानी। अब जब तक ये बॉयल हो रहा है मैं दूसरे स्टोव पे दो सॉसेजेस फ्राई कर लेती हूँ लिटिल ऑयल। अब यहाँ पानी उबल गया है तो उस पे मैंने ऐड कर दिया मैगी, मैगी मसाला, मिक्स इट वेल और इसको अच्छे से पकने दे। अब सूप अपने हिसाब से रख सकते हो, मुझे ना नॉर्मल अच्छा लगता है, ना ज्यादा सूप हो ना ज्यादा ड्राई हो, तो मैंने वैसे ही टेक्सचर में बनाया। अब देसी रैमन है तो उसमें धनिया भी डालेंगे, तो मैंने एकदम बारीकी से चॉप करके धनिया डाल दिया और मिक्स इट वेल और मेरा मैगी था रेडी। अब सॉसेज निकाल कर उसी कढ़ाई पे मैंने ऑमलेट बनाया। ऑमलेट का सूरत इतना अच्छा नहीं था बट रेडी था मेरा रैमन बोल। नाउ दिस इज माय वर्जन ऑफ रैमन बोल विद मैगी, जो कितना सेटिस्फाइंग लग रहा था। आई स्वेर एक एक स्पून मैगी का विद सॉसेज एंड अंडा, इट्स परफेक्ट।